हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का। इस रीडिंग में देखेंगे आपका नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है, कैसा जाएगा, उनकी फीलिंग्स क्या होगी, एक्शंस क्या होगा, आपकी फीलिंग्स थॉट्स एक्शंस क्या होगा आपके रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, आप दोनों के बीच क्या होने जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। एक ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सब के लिए है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हो। तो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग। सबसे पहले मैं उन्हीं की एनर्जी चेक करना चाहूँगी। फोकस बनाकर रखिए उन पर, साथ में यूनिवर्स से प्रेस जरूर कर लीजिएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं अगले 24 घंटों में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी इनको लेकर। खुद को कूल एंड काम रखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, खुद को पॉजिटिव एनर्जी में रखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, पेशेंस रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी जल्दबाजी चाहेंगे आपके पार्टनर, सोचेंगे कि ये जल्द से जल्द होना चाहिए, पेशेंस नहीं है, पर इनको पता है जल्दबाजी के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ सकते हैं, सब कुछ बिगड़ सकता है। तो आपके पार्टनर पेशेंटली कुछ कर रहे हैं, ठीक है, धैर्य रख रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी अगले 24 घंटों के अंदर। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या फील करेंगे इनको लेकर। उदास रहेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, फैमिली से बात करना चाहेंगे या किसी और से आपसे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है, किसी से, जैसे कि आप टैरो रीडिंग्स लेते हो, देखते हो, या किसी से आप पूछ लेते हो। किसी से कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि किसी गुरु से या किसी से, टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर, किसी को आपने कंसल्ट किया था कभी, आपने बातचीत किया, ऐसा हो सकता है करने के बारे में सोचते हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन किसी से कंसल्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ अगले 24 घंटों के अंदर ये पर्सन ना काफ़ी टेंशन में आ जाएंगे आपको लेकर, काफ़ी टेंशन होगी। ये पर्सन डाउट भी करेंगे कि आप कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं हो, या आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, आपकी शादी किसी और से ना हो जाए, या इनकी कहीं और ना लग जाए, कहीं और पक्की ना हो जाए, क्योंकि ये नहीं चाहते। इस पर्सन के माइंड में आप होंगे, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ सक्सेसफुल रिलेशनशिप कनेक्शन चाहते हैं, या तो शादी चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, सोच रहे शादी के बारे में, या आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, या तो इनसे शादी आपको लगा कि हो सकता है, या तो ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो किसी को कंसल्ट करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये जो सोचते हैं कि आप सोचते हो, आप क्या चाहते हो, या आपके साथ फ्यूचर क्या है, ऐसा कर रहे हैं, या तो ये पर्सन किसी से बात कर रहे हैं, किसी गुरु से मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी टीचर से, किसी से बेस्ट एडवाइस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर किसी से कंसल्ट ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है, जिनको भी कर रहे हैं काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी वॉइस हैं, वो काफ़ी मुझे मिस्टीरियस दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, काफ़ी मैच्योर पर्सन है, ठीक है, एक गुरु की तरह मुझे दिखाई दे रहे हैं, बेस्ट गाइड इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं आपके पार्टनर, वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, ये इनके खुद के टीचर, इनके फैमिली में कोई हो सकते हैं, ठीक है, जिनका ये काफ़ी भरोसा करते हैं, जिन पर ट्रस्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि उनका जो कहा होता है वो सच होता है। तो अपनी बातें किसी से शेयर कर रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी कोशिश करी है बेहतर करने का, सही करने का, पर जो भी मैंने करा है
मैं अनसक्सेसफुल हुआ हूँ, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं रहा हूँ या रही हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? और मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहती है, वो क्या चाहता है, वो मुझे अपने लाइफ में चाहती भी हैं कि नहीं, चाहते भी हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। ये इनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। आपको लेकर ये पर्सन श्योर नहीं है कि आप क्या चाहते हो, ये आपके साथ फ्यूचर क्या होगी तो किसी से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या होगी अगले 24 घंटों में, मेरे व्यूवर्स क्या फील करेंगे। आप डाउटफुल एनर्जी में होंगे, ठीक है। आपको कभी इन पर काफ़ी प्यार आएगा, कभी काफ़ी मिस करोगे, याद करोगे, वहीं कभी ऐसा लगेगा कि कुछ प्यार नहीं है मुझे ऐसे, मैं मूव ऑन कर रही हूँ, मुझे करना चाहिए, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मैं बेस्ट डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ, मुझे अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, मुझे किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल मुझे बेस्ट मिल सकता है, मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ। मुझे ऐसे पर्सन नहीं चाहिए जो मुझे हर्ट कर रहा है, जो मुझे बर्डन की तरह ले रहा है, या हमारे कनेक्शन को, हमारे रिश्ते को, मुझे अब टेंशन नहीं चाहिए। वो पर्सन तो चाहिए नहीं जो मुझे जगल कर रहा है, जगल कर रही है। मुझे बेस्ट पार्टनर चाहिए, बेस्ट लाइफ पार्टनर चाहिए। इस एनर्जी में भी आ सकते हो आप, मुझे डाउटफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। डाउटफुल एनर्जी में हो, एक तो आपको बहुत प्यार आ रहा है इन पर टूट कर, और दूसरा एनर्जी में ऐसा देख पा रही हूँ, ठीक है। इनके एक्शंस को देखकर, जो आप दोनों का सिचुएशन है उसको देखकर, आप डाउटफुल एनर्जी में भी रहोगे, वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, या मुझे क्या करना चाहिए, एफर्ट्स करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, या लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, किसी और को देखना चाहिए, या अपने बारे में सोचना चाहिए, फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। आपके माइंड में बहुत कुछ आएगा, ठीक है। ये कैरियर पर फोकस करना चाहिए, आपका फोकस मुझे कैरियर पर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप अपने कैरियर में, लाइफ में, अपने फैमिली में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप मुझे हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लाइफ को ट्रैक पर लाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने दिल और दिमाग को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एक्शन क्या हो सकते हैं इनके रिश्ते के लिए, या मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, बताएं मुझे क्या हो सकते हैं इनके एक्शन। ओके, मिलना हो सकता है गाइस, कुछ ना कुछ एक्शन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके पार्टनर मिलने को आ रहे हैं, मिलने की बातें कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको विश कॉल कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी कर सकते हैं, ठीक है। आई फिर से चले गए, ऐसा भी कर सकते हैं आपके पार्टनर। पर मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि मिलने आ रहे हैं आपके पार्टनर लस्टफुल एनर्जी के साथ, ठीक है। आपके क्लोज आने के बारे में सोच रहे हैं, क्लोज इनको आने हैं, तो ये मुझे इनका एनर्जी दिखाई दे रहा है। आपके एक्शन क्या हो सकता है आपके रिश्ते के लिए या आपके पार्टनर के लिए? यूनिवर्स मुझे मेरे व्यूवर्स के बारे में बताएं इनका क्या एक्शन हो सकता है। आप मुझे ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो, मैं ऐसा देख पा रही हूँ ना, आपका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आपका जो सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, आप मुझे फाइटिंग वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो गाइस, ठीक है। एक तो आप ओवरथिंक कर रहे हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपके रिश्ते को लेकर, स्पेशली आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके पार्टनर के साथ जो मैटर चल रहा है उसको लेकर, आप मुझे थोड़े से फाइटिंग वाले एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। हर किसी का तो एनर्जी नहीं होगा, पर मुझे बहुतों का एनर्जी मिल रहा है कि आप फाइटिंग वाले एनर्जी में हो, ठीक है। जहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसा है कि बस वो एक बार आ जाए, बस उससे बात हो जाए, उससे मुझे लड़ाई करना, उसको मैं देख लूँगा,
बस वो एक बार बात तो करे, फिर मैं बता दूँ, फिर मैं बताती हूँ। इस वाले एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? ये तो इनका गुस्सा किसी और पर निकाल सकते हो, या तो किसी और का गुस्सा इन पर निकाल सकते हो, ये भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स, आपका क्या मैसेज है बताएं मुझे, इन दोनों के बीच क्या कुछ हो सकता है अगले 24 घंटों के अंदर, या अगले 24 घंटों में इन दोनों के बीच क्या कुछ हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं इन दोनों के बीच होने का। वाओ वाओ, मिल रहे हो, यूनियन में आ रहे हो, कांटेक्ट में आ रहे हो, आपका जो कनेक्शन है नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं आप महसूस कर रहे हो। आपके पार्टनर आपका एहसास करा रहे हैं, आप उनको एहसास करा रहे हो, दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो, कमिटमेंट दे रहे हो, काफ़ी लवी डवी एनर्जी में हो, काफ़ी प्यार भरी बातें हो रही है, दोनों साथ में आ रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप दोनों का शादी फिक्स हो रही है, सगाई हो रही है, होने जा रही है शादी, ऐसा देख पा रही हूँ, ठीक है? ये तो साथ में आ रहे हो, किसी ना किसी तरह का सेलिब्रेशन हो रहे हैं, ठीक है? साथ में आ रहे हो, वही सेलिब्रेशन से जश्न से कम नहीं है, ठीक है? तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, आपका जो कनेक्शन है सक्सेसफुल हो रहे हैं, कईयों लोगों ख्याल है, ठीक है? फाइट खत्म हो रही है, दोनों साथ में आ रहे हो, आगे बढ़ रहे हैं, आपका कनेक्शन, आपके पार्टनर आ रहे हैं आपसे मिलने, या तो आप इनसे मिलने जा रहे हो, या तो आपके पार्टनर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सक्सेसफुल हो रहा है आपका कनेक्शन, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे दोनों साथ में आ रहे हो, परमानेंट यूनियन हो रहे हैं, ठीक है? वाह, तो मुझे ऐसा एनर्जी मिला है जिनके भी साथ हो रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, आप सभी के लाइफ में ढेर सारा खुशियाँ हैं। यहाँ पर एरीज लियो सेजिटेरियस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है? वैसे ऑल साइंस रीडिंग है। तो ये रही गाइस आपकी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।